Welcome to all of you. This is first video related to class 11 business studies chapter number 10, that is internal trade. So student, in this video we will learn about what is the meaning of internal trade, what is the importance of internal trade in our business, in our country, and the various features of internal trade. So first of all student, I am sharing it here the सिलेबस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बट हम जो इस चैप्टर में कवर करेंगे दैट इज इंटरनल ट्रेड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाई ए होलसेलर एंड रिटेलर इन द लार्ज स्केल रिटेलर्स डिपार्टमेंटल स्टोर चेन स्टोर कॉन्सेप्ट. तो हम इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक यहाँ पे स्टडी करेंगे. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. नाम क्या है इसका? बिजनेस का इंटरनल ट्रेड, दैट मीन्स द ट्रेड विच इज डन बिटवीन विद इन द कंट्री. यदि हम कंट्री के अंदर गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सर्विसेज को, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? सिंपली हम बोले ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, तो ट्रेड वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर. ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. यदि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और रीजन क्या है, फॉर पर्पज है अर्निंग प्रॉफिट, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. यदि हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो किसके अंदर कवर होता है? इंडस्ट्री के अंदर. तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी करेंगे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इंटरनल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड किसे कहा गया है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन आर रेफर्ड एज इंटरनल ट्रेड. यदि हम हमारी कंट्री के अंदर ही गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. यदि सपोज कीजिए मैं राजस्थान में गुड्स को परचेज कर रही हूँ और राजस्थान में सेल कर रही हूँ, इंटरनल ट्रेड. मैं राजस्थान से परचेज कर रही हूँ, हिमाचल प्रदेश में सेल कर रही हूँ, इट इज ऑल्सो इंटरनल ट्रेड. क्यों? क्योंकि सारा ट्रेड हम किसके अंदर कर रहे हैं? इनसाइड द कंट्री. यदि आउटसाइड कंट्री हम ये ट्रेड करेंगे तो दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड. तो ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आपका एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड है. बस इस चैप्टर के अंदर हम इंटरनल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे. तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन आर रेफर्ड टू एज इंटरनल ट्रेड. इज इट क्लियर? आप इंटरनल ट्रेड कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है. वेदर द प्रोडक्ट्स आर परचेज फ्रॉम ए नेबरहुड शॉप इन ए लोकेलिटी और ए सेंट्रल मार्केट और ए डिपार्टमेंटल स्टोर और ए मॉल और इवन फ्रॉम एनी डोर टू डोर सेल्स पर्सन एंड फ्रॉम एग्जीबिशन, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड. दैट मीन्स आपने कंट्री में कहीं से भी किसी भी फॉर्म में गुड्स को परचेज किया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड. जैसे आपके घर के बाहर पेडलर्स एंड हॉकर्स आते हैं, वो हो सकता है इंटरनल ट्रेड. डिपार्टमेंटल स्टोर से हो सकता है, किसी होलसेल रिटेल शॉप से हो सकता है, कहीं से भी आप यदि कंट्री के अंदर गुड्स को परचेज कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल ट्रेड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पे रीड करते हैं. इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. इंटरनल ट्रेड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. इज इट क्लियर? आप लोगों को सबको इसके बारे में जनरली पता होगा होलसेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड क्या है. तो यहाँ पे इस चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट को, इसके बारे में लर्न करना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा. तो इंटरनल ट्रेड यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. तो हम यहाँ पे होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ये ट्रेड और किस तरीके से हेल्पफुल हैं. तो जनरली फॉर प्रोडक्ट विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हु आर लोकेटेड ओवर ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच ऑल द कंज्यूमर्स और यूजर्स डायरेक्टली. That means, यदि वेजिटेबल ऑयल है और बाथिंग सोप है, कंपनी यदि सपोज कीजिए हरियाणा के अंदर है और वो वहां पे मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चर पॉसिबल है उन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सेल करना. नहीं, उसे किसी ना किसी
मीडियम जो चैनल है उसको यूज करना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी मिडिल मैन की। क्यों? यदि सपोज कीजिए वो मिडिल मैन की हेल्प नहीं लेगा लेगा तो बिजनेस या तो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो पाएगा या फिर मार्केटिंग में या सेल्स में। यदि सारा काम बिजनेस एक साथ करेगा तो उसको बहुत सारी कोर्स उसको स्पेंड करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे टू टाइप के ट्रेड हैं। हम सबसे फर्स्ट होलसेल ट्रेड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। होलसेल क्या होता है? यदि हम गुड्स को यदि बल्क में परचेज कर रहे हैं, और किससे परचेज कर रहे हैं बल्क में? मैन्युफैक्चरर से। और किसको सेल कर रहे हैं? रिटेलर को। तन इट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है होलसेल ट्रेड को, कि हम बाइंग एंड करते हैं लार्ज क्वांटिटी। किससे परचेज करते हैं? मैन्युफैक्चरर से। और सेल किसको कर देते हैं? रिटेलर को या फिर इंटरमीडिएट यूज। दैट मीन्स उन गुड्स को अभी फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर प्रोसेस बाकी है तो हम उनको सेल कर देते हैं। इज इट क्लियर? होलसेलिंग इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज ऑफ दोज पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट विद सेल्स टू रिटेलर एंड अदर मर्चेंट्स। होलसेलर किसको सेल करते हैं गुड्स? या तो रिटेलर को या फिर जो मर्चेंट्स है, अदर बिजनेसमैन है, उनको गुड्स सेल करते हैं। इज इट क्लियर? तो होलसेल सर्व एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स। इन दोनों जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बीच में जो पर्सन है दैट इज होलसेलर। होलसेलर गुड्स को परचेज करेगा मैन्युफैक्चरर से और सेल किसको कर देगा? रिटेलर को। तो इट्स ए इम्पोर्टेंट लिंक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आगे चैप्टर के अंदर देखेंगे वेरियस सर्विसेज जो होलसेल प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स, उनके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो दे इनेबल द प्रोड्यूसर्स नॉट ओनली टू रीच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ओवर ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया बट ऑल्सो टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब, क्या सब प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं होलसेलर? दे जनरली टेक द टाइटल ऑफ गुड्स एंड बियर द बिजनेस रिस्क बाई परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स इन देयर ओन नेम। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर से सारे गुड्स किसने परचेज कर लिए हैं? होलसेलर ने। अब होलसेलर किसको सेल करेगा? रिटेलर्स को। तो अब बिजनेस टाइटल किसके पास ट्रांसफर हो गया है? होलसेलर के पास हो गया है। मैन्युफैक्चरर अब क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर से सारी गुड्स किसको सेल हो गई है? होलसेलर को। तो मैन्युफैक्चरर अपना फर्दर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो जो भी सेलिंग से रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज अब कौन परफॉर्म करेंगे? होलसेलर्स। इज इट क्लियर? दे परचेज इन बल्क एंड सेल इन स्मॉल लोट्स टू रिटेलर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स। दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज। दैट मीन्स गुड्स को सेल करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज में भी हेल्प करते हैं बिजनेस में। कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है? दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज सच एज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग इनटू स्मॉलर लॉट्स। दैट ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज अकॉर्डिंग टू गुड्स की क्वालिटी वो ग्रेड करते हैं। पैकेजिंग इनटू स्मॉलर लॉट्स मतलब बल्क में परचेस कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर से और स्मॉलर लॉट में डिवाइड करके रिटेलर्स को सेल करते हैं। उसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, प्रमोशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड ऑर्डर्स ऑफ रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज देम। इज इट क्लियर? तो ये सारा काम कौन करता है? होलसेलर करते हैं। दे ऑल्सो रिलीव द रिटेलर्स ऑफ मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ आर्टिकल्स एंड एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देम। रिटेलर्स को क्या हेल्प करते हैं? लार्ज स्टॉक प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, उसके अलावा जो हेल्प करते हैं क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। तो ये सब फीचर्स हैं, बेसिकली किससे रिलेटेड फीचर्स हैं? होलसेलर से रिलेटेड फीचर्स हैं। सर्विसेज ऑफ होलसेलर, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक रीड कर रहे हैं दैट इज सर्विसेज ऑफ होलसेलर। जो होलसेलर है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हमने अभी रीड किया था कि होलसेलर लिंक है किस किस के बीच में? मैन्युफैक्चरर के बीच में और रिटेलर के बीच में। तो हम यहाँ पे जो सर्विसेज के बारे में स्टडी करेंगे वो स्टडी इस तरीके से करेंगे कि होलसेलर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिटेलर।
सेक्टर को, तो इनकी जो होलसेलर की सर्विसेज है वो भी हम टू पार्ट में स्टडी करेंगे, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज टू रिटेलर्स. इज इट क्लियर? तो होलसेलर प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड एज वेल एज रिटेलर एंड प्रोवाइड इमेंस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इज इट क्लियर? अब हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर दैट मींस जिनसे गुड्स बल्क में परचेज करते हैं, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको किस तरीके से हेल्प करते हैं, उनको किस तरीके से वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये हम यहाँ पे रीड करते हैं. फर्स्ट वन है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन. दैट मींस मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और उन गुड्स को कौन परचेज कर रहा है, होलसेलर परचेज कर रहा है. और यदि जब होलसेलर बल्क में गुड्स को परचेज कर लेगा और फिर स्मॉल लॉट्स में रिटेलर्स को सेल करेगा, तो यदि एक साथ गुड्स वो किससे परचेज कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से, तो अब मैन्युफैक्चरर क्या हो गए हैं, सेल के बर्डन से फ्री हो गए हैं और वो क्या करेंगे, वापस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे. इज इट क्लियर? तो होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर्स फॉर ए नंबर ऑफ रिटेलर्स एंड पास ऑन द पूल ऑफ सच ऑर्डर्स टू द मैन्युफैक्चरर एंड मेक परचेज इन बल्क क्वांटिटीज. बहुत सारे रिटेलर है, सपोज कीजिए 10 रिटेलर है, किसी ने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, किसी ने 200 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, तो ये सब ऑर्डर स्मॉल क्वांटिटीज में किसके पास में आए हैं, होलसेलर के पास में. और होलसेलर क्या करेगा, उन सबको एक साथ ऐड करेगा और इतनी बल्क क्वांटिटी ऑर्डर किसको करेगा, मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर से क्या करेगा, वो बल्क में परचेज करेगा गुड्स को. तो होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिटेलर एंड पास ऑन द पूल ऑफ सच ऑर्डर टू द मैन्युफैक्चरर एंड मेक परचेजेस इन बल्क क्वांटिटीज. दिस इनेबल्स अ प्रोड्यूसर टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑन ए लार्ज स्केल एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स लार्ज प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. और जब यदि होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करेगा, तो उसको जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा. आपने नोट किया होगा, जब आप यदि सिंगल गुड्स परचेज करते हैं तो हो सकता है आपको एमआरपी पे गुड्स अवेलेबल हो, लेकिन यदि आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो आपको डिस्काउंट लेवल भी इंक्रीज होता चला जाता है. नेक्स्ट बात करें, मैन्युफैक्चरर होलसेलर किस तरीके से हेल्प करते हैं, बियरिंग रिस्क. किस टाइप की रिस्क को बियर करते हैं होलसेलर, यहाँ पे रीड करते हैं. द होलसेल मर्चेंट्स डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम, टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड कीप द गुड्स परचेज इन लार्ज लॉट्स इन द वेयर हाउस, इन देयर वेयर हाउसेज. In this process, they bear variety of risks such as the risk of fall in the prices. एक साथ गुड्स परचेज कर लिया है, बाद में गुड्स की प्राइसेस रिड्यूस हो गई है मार्केट में, तो वो रिस्क कौन बियर करेगा, होलसेलर. थेफ्ट, पिल्फरेज, स्पॉइलेज, फायर एक्सेट्रा. यदि गुड्स की ऑनरशिप मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के बीच ट्रांसफर हो गई है, तो जो सारी रिस्क है वो भी किसको ट्रांसफर हो गई है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को. सो टू दैट एक्सटेंट दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम बियरिंग दीज रिस्क. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस. फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना. तो द होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर इन द सेंस दैट दे जनरली मेक कैश पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज बाय देम. क्या करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं, यदि कोई भी परचेज करते हैं उसका कैश पेमेंट करके हेल्प कर सकते हैं. बहुत बड़े लोट में भी ऑर्डर कर रहे हैं तो एडवांस पेमेंट करके हेल्प कर सकते हैं. इज इट क्लियर? टू दैट एक्सटेंड द मैन्युफैक्चरर नीड नॉट ब्लॉक देयर कैपिटल इन द स्टॉक. समटाइम दे ऑल्सो एडवांस मनी टू द प्रोड्यूसर फॉर बल्क ऑर्डर्स प्लेस बाय देम. इज इट क्लियर? तो फाइनेंशियल असिस्टेंस में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट बात करें एक्सपर्ट एडवाइस. एक्सपर्ट एडवाइस का मीनिंग क्या है, एज अ होलसेलर आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रिटेलर्स. मैन्युफैक्चरर का काम कहाँ फिनिश हो गया है, गुड्स को होलसेलर को सेल करके. अब मैन्युफैक्चरर तो डायरेक्ट कंज्यूमर से कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है ना, कंज्यूमर से कॉन्टेक्ट में कौन आ रहा है, रिटेलर्स आ रहे हैं.
तो यदि सपोज कीजिए रिटेलर्स कंज्यूमर रिटेलर से मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं या कुछ उनको एडवांस चाहिए, तो ये सब जानकारी जो कंज्यूमर है किसको देगा? रिटेलर को देगा, और रिटेलर किसको देगा? होलसेलर को, और ये होलसेलर ये सारी एडवाइस किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को देगा, और मैन्युफैक्चरर उस अकॉर्डिंग अपने गुड्स में क्या करेगा, वेरियंसेस जो भी हैं, चेंजेस जो भी हैं, वो लेके आएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके प्रोडक्ट की सेल हो सके। तो एज अ होलसेलर आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रिटेलर्स, दे आर इन ए पोजिशन टू एडवाइज अ मैन्युफैक्चरर अबाउट वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंसेस, मार्केट कंडीशंस, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज एंड द फीचर्स प्रेफर्ड बाय द बायर्स। नेक्स्ट है, दे सर्व एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड रिलेटेड एस्पेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ फीचर सर्विसेज की, हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन दैट इज, मार्केटिंग फंक्शन का मीनिंग होता है बेसिकली रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ गुड्स। तो ये फंक्शन कौन करता है? बेसिकली जनरली ये फंक्शन मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफर किसको हो जाता है? होलसेलर को, और होलसेलर ये सब फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो द होलसेलर टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू ए नंबर ऑफ रिटेलर्स हु इन टर्न सेल द गुड्स टू ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स स्प्रेड ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। दिस रिलीव द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम मैनी ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड इनेबल दैम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। इज इट क्लियर? होलसेलर गुड्स मैन्युफैक्चरर से एक जगह से परचेज कर लेता है, और होलसेलर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स जो ऑल ओवर कंट्री फैले हुए हैं उनको गुड्स ट्रांसफर करता है, सेल करता है, और वो गुड्स किसको ट्रांसफर होते हैं? कंज्यूमर को। तो मैन्युफैक्चरर यदि पर्टिकुलर एरिया में है तो भी वो अपने गुड्स को क्या कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ होलसेलर, विद द हेल्प ऑफ रिटेलर्स ऑल ओवर द कंट्री सेल कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। द होलसेलर फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर बाय परचेजिंग द गुड्स एज एंड व्हेन दीज आर प्रोड्यूस एंड स्टोरिंग दैम टिल द टाइम दीज आर डिमांडेड बाय रिटेलर्स और कंज्यूमर्स इन द मार्केट। इज इट क्लियर? होलसेलर क्या कर लेते हैं, बल्क में गुड्स परचेज कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर से जब बल्क में गुड्स परचेज करेंगे तो मैन्युफैक्चरर क्या कर लेंगे, वापस प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे ताकि जब भी डिमांड होगी वो होलसेलर को वापस गुड्स सेल कर सके। तो फैसिलिटेट प्रोडक्शन एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करें हम स्टोरेज, तो होलसेलर्स भी क्या करते हैं, अपने वेयर हाउसेस मेंटेन रखते हैं जहाँ पे वो गुड्स को क्या करते हैं, बल्क में परचेज कर लेते हैं। बल्क में परचेज करने का रीजन ये होता है कि यदि वो गुड्स बल्क में परचेज करते हैं तो उनको क्या मिलता हैवी डिस्काउंट। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टोरेज हाउसेज मेंटेन करते हैं। तो होलसेलर टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री एंड कीप देम इन देयर गोडाउंस और वेयर हाउसेज। दिस रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। दे थस प्रोवाइड टाइम यूटिलिटी। कौन हेल्प करता है टाइम यूटिलिटी में? होलसेलर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट नंबर, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सर्विसेज हैं मैन्युफैक्चरर्स ने जो प्रोवाइड किए, वो वेरियस सर्विसेज हैं जो मैन्युफैक्चरर को कौन प्रोवाइड करता है? होलसेलर प्रोवाइड करता है। बहुत ईजी है, एक बार आप रीड करेंगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी से रिलेटेड, और इजी भी लर्न हो जाएगा क्योंकि आप के बिल्कुल प्रैक्टिकल आप ये सब चीजों को अपने आसपास देखते हैं। इज इट क्लियर? सो लर्न दिस टॉपिक, मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड एंड वेरियस सर्विसेज ऑफ होलसेलर। सो स्टूडेंट दिस वीडियो इज ओवर नाउ हियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट होलसेलर प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू रिटेलर्स। इज इट क्लियर? So this video is over now here.